Good afternoon everyone, welcome in the class of science. As you know, in the last class we are discussing about freons. Chapter number 8 was going on. Now today we will discuss about last topic of the chapter, and the topic is polymers. Last topic is polymer. Actually, polymers are those structures which are formed by the combination of small monomers. यानी small unit होंगे जिनको हम नाम देंगे monomer. When monomers are combined with each other in numerous, a number of monomers. यानी काफी ज्यादा अगर अपन monomers को combine करते चले जाते हैं तो वहां जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको नाम दिया जाता है पॉलीमर. इट मीन्स द पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर. यानी जो मोनोमर होंगे उनका अगर लगातार पॉलीमराइजेशन होता रहेगा, बहुत सारे मोनोमर्स लगातार कंबाइन होते रहेंगे, जो दो स्ट्रक्चर हमें मिलेगी उसको हम नाम देते हैं पॉलीमर. Polymers are of two types. First one, natural polymer, while second are known as synthetic polymers. First are natural polymers, while second are known as synthetic polymers. Now first of all we'll discuss about the natural polymer. देखिएगा natural polymer वो होंगे जो हमें nature से obtain होंगे. For example, starch and cellulose are known as the natural polymer which are obtained from the nature. और basically हम देखें कि mostly जो आपके polymers हैं वो हमें plants में मिलेंगे, कुछ हमें animals में भी देखने को मिलेंगे. Okay, now one important example of natural polymer is a natural rubber. Actually natural rubber is obtained from a tree. एक tree से natural rubber को obtain किया जाता है और उस tree को नाम दिया जाता है Hevia. Tree का botanical name है Hevia brasiliensis. Hevia brasiliensis is the botanical name of natural rubber plant. इस plant के latex से natural rubber को बनाया जाता है. अब actually अगर देखा जाए तो natural rubber है क्या? Natural rubber is the polymer of isoprene. What is isoprene? Check it out. Isoprene. This is the isoprene. And natural rubber is the पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन. हमने क्या किया, इस आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन कर दिया. आइसोप्रीन व्हेन आइसोप्रीन अंडरगो पॉलीमराइजेशन, एन यहां पे हमने लिया है मेनी यूनिट्स, मेनी मोनोमर्स हमने आइसोप्रीन के लिए है, क्या होगा यहां पे पॉलीमराइजेशन विल बी देयर. यहां पे होगा पॉलीमराइजेशन और जैसे ही पॉलीमराइजेशन होगा यहां पे क्या बनेगा, पॉली आइसोप्रीन बनेगा. एंड पॉली आइसोप्रीन इज आल्सो नोन एज द नेचुरल रबर. देखिए कैसे बनेगा, दिस इज पॉली आइसोप्रीन. देखिए कैसे बना है, देखिएगा एक चीज याद रखिए आप, इन ए केमिकल रिएक्शन ओल्ड बोन्स आर ब्रोकन डाउन व्हाइल न्यू बोन्स आर फॉर्मड. आप देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे टू टाइम्स हैं, ये दोनों डबल बॉन्ड ब्रोकन डाउन हुए हैं, डबल की जगह सिंगल आ गया है और जहां पहले सिंगल बॉन्ड था वहां पे डबल आ गया है. कार्बन फोर है, मेन चेन में फोर कार्बन है, एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, जो सब्स्टिट्यूएंट आपका मिथाइल है तो इसका आप नाम दे सकते हैं, यहाँ पे नाम दे सकते हैं. देखिएगा नाम क्या होगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपका नाम बनेगा 2-methyl-2-methyl-but-1-3-diene. यानी आइसोप्रीन जो है उसका IUPAC नाम अगर अपन देखें तो देखिए क्या बनेगा, 2 मिथाइल
ब्यूट 1,3 डाई इन, और जब आइसोप्रीन का हमने पॉलीमराइजेशन करवा दिया है तो यहाँ पे आपका बन गया है पॉली आइसोप्रीन, एंड पॉली आइसोप्रीन इज नोन एज द नेचुरल रबर। पॉली आइसोप्रीन को ही नेचुरल रबर कहा जाता है। ओके, तो आपके ये नेचुरल रबर हो गया। उसके बाद हम आगे बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की। कुछ हमारे यहाँ सिंथेटिक फाइबर्स भी हैं और सेकंड टाइप ऑफ पॉलीमर्स। सेकंड सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर्स आर ऑल्सो नोन एज मैन मेड पॉलीमर्स बिकॉज दे आर फॉर्म्ड इन द लेबोरेटरी और फैक्ट्रीज बाई ह्यूमन बींग्स और बाई मैन पावर, सो दे आर नोन एज आर्टिफिशियल और सिंथेटिक पॉलीमर्स। एग्जाम्पल नंबर वन, फाइबर्स। फाइबर्स आर द सिंथेटिक फाइबर एंड फर्स्ट फाइबर इज नाइलॉन 6/6। फर्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिंथेटिक फाइबर इज नाइलॉन 6/6। नाइलॉन 6/6 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमीन, यानी एडिपिक एसिड की रिएक्शन जब करवाई जाती है हेक्सामिथाइलिन डायमीन के साथ में तो हमें नाइलॉन 6/6 मिलेगा। देखिए किस तरह से हम रिएक्शन यहाँ पे करवाने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिपिक एसिड, this is adipic acid, n number of adipic acid combines with hexamethionine diamine CH2 group is known as methionine, so 6 methionine groups are here, hexamethionine 2 NH2 groups are here, so it is diamine, n moles of n moles of hexamethylene diamine are here, hexamethylene and diamine, hexamethylene and diamine, and that is, this is adipic acid, this is adipic acid। और देखिए एक्चुअली यहां पे क्या होगी, यहां प्रोसेस होगी कंडेंसेशन की। Condensation takes place in this reaction. What do you mean by condensation? When a small molecule of CO2 or water, a small molecule of CO2 and water is removed from a chemical reaction, then it is known as the condensation. Okay? तो यहाँ पर भी H2 के मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा। देखिए किस तरह से होगा। देखिए ये OH है यहाँ पे। अब यहाँ एडिपिक एसिड के साथ में नंबर ऑफ हमने मोल मॉलिक्यूल्स लिए हैं, काफी ज्यादा नंबर होंगे, तो इसके साथ में एक चैन इधर भी होगी, यहाँ हेक्सामिथाइलिन डायमीन के इस तरफ एक चैन इसकी भी होगी, यानी चैन दोनों तरफ ऑल्टरनेट में कनेक्ट होती चली जाएंगी। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से OH है उसका S निकलेगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा, OH निकलेगा। तो देखिए क्या होगा, CO then CH2 whole 4 then C डबल बॉन्ड। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ से OH जाएगा, इसका S निकलेगा, OH और एक H, H2 निकलेगा यहाँ से भी। ओके, तो क्या बचेगा यहाँ पे, CO then NH then सिंगल बॉन्ड हेक्सामिथाइलिन ग्रुप, ऐसे ही ऐसे आ गया, इसमें कोई चेंज हमने नहीं किया। देखिएगा वापस सुनिएगा, ये OH है, इसके इधर कौन होगा, NH2, पूरा हेक्सामिथाइलिन डायमीन होगा, NH2 ग्रुप यहाँ पे होगा, तो OH जाएगा साथ में प्लस एक H जाएगा NH2 से, H2 बाहर निकलेगा, तभी तो इसको अपन कंडेंसेशन कह रहे हैं, ये H2 के मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा। ओके, आगे बढ़िएगा, ये ऐसे कैसे होगा, अब NH2 से एक H बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे NH बचेगा, चेन यहाँ बढ़ती चली जाएगी, या आपने इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, प्लस आपका बनेगा NH2, NH2 दिस इज नाइलॉन 6/6। नाइलॉन 6/6 व्हिच इज बेसिक एंड फंडामेंटल फाइबर विच इज नोन एज सिंथेटिक फाइबर एंड इट इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ थ्रेड्स क्लोथ्स ऑल्सो। काफी सारे क्लोथ को बनाने में भी नाइलॉन को काम में लिया जाता है, रॉक्स भी यहाँ बनाई जाती हैं।
इम्पोर्टेंट बेसिक एक फाइबर माना जाता है। इसके अलावा और भी हमारे यहाँ सिलेबस में जो फाइबर्स हैं वो हैं, इसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे टेरिलिन। नेक्स्ट नंबर सेकंड फाइबर इज टेरिलिन, एंड टेरिलिन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेरेप्थेलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोलिक। और देख लीजिएगा, आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चेक कीजिएगा आराम से। नेक्स्ट विल बी टेरिलिन, एंड टेरिलिन इज द मिक्सर ऑफ टेरेप्थेलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। अगेन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ टेरिलिन। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेटर ऑन वी विल डिस्कस डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू सो मच।